प्रोजेक्ट्स को समय पर कंप्लीट करने के लिए एमआर इंडिया उठा रहा 1000 करोड़ का कर्ज। अपने प्रोजेक्ट्स को समय पर पूरा करने के लिए एवं प्रोजेक्ट कंस्ट्रक्शन के खर्चे को उठाने के लिए एमआर इंडिया ने 1000 करोड़ का कर्ज लेने का सोचा है। कंपनी का ये लक्ष्य है कि वह अगले 2 साल में 50 प्रोजेक्ट्स कंप्लीट कर देगा। पिछले साल ही कंपनी ने 2500 करोड़ लोन पर लिया था। कंपनी के सीईओ संजय मल्होत्रा का ये कहना है कि इस समय उनका लक्ष्य सभी को समय पर घर देना है। ग्रेटर नोएडा अथॉरिटी को 14 बिल्डर्स ने प्रोजेक्ट कंप्लीशन प्लान थमाया। घर खरीदारों और डेवलपर्स के बीच रूखेपन को खत्म करने के लिए ग्रेटर नोएडा इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट अथॉरिटी ने शनिवार को 14 बिल्डर्स के साथ मीटिंग करी, जिसमें सभी डेवलपर्स ने अथॉरिटी को प्रोजेक्ट को कंप्लीट करने का रोड मैप सौंपा। नोएडा और ग्रेटर नोएडा अथॉरिटी के सीईओ अमित मोहन प्रसाद का ये कहना है कि उन्होंने सभी बिल्डरों को आदेश दिया है कि वे समय पर प्रोजेक्ट पूरा करें। घर को लेकर पार्श्वनाथ और राज्यवर्धन सिंह राठौर के बीच हुई सुलह। पार्श्वनाथ डेवलपर्स ने सुप्रीम कोर्ट को ये बताया है कि यूनियन मिनिस्टर राज्यवर्धन सिंह राठौर के घर को लेकर जो उनकी अनबन चल रही थी वो अब सुलझ गई है। बिल्डर्स ने कोर्ट से 12 हफ्तों का समय मांगा है राठौर की सभी मांगे पूरी करने के लिए। राठौर ने यह कहा था कि उनके घर में बुनियादी सुविधाएं नहीं है, जिसके चलते राठौर पार्श्वनाथ डेवलपर्स को कोर्ट तक ले गए थे। घर समय पर ना देने के चलते गुरुग्राम में रामप्रस्थ होम बायर्स ने किया प्रदर्शन। शनिवार को रामप्रस्थ के अलग अलग प्रोजेक्ट्स में रहने वाले करीबन 200 लोगों ने किया गुरुग्राम में प्रदर्शन। इस प्रोजेक्ट में रहने वाले लोग प्रोजेक्ट के सीनियर मैनेजमेंट से मिलना चाहते थे ये जानने के लिए कि उन्हें अपना घर कब मिलेगा। लंबी मशक्कत के बाद भी कोई भी सीनियर अफसर उनसे मिलने नहीं आया। घर खरीदारों के हित के लिए लागू हुआ है हरियाणा में रेरा। हरियाणा वित्त मंत्री कैप्टन अभिमन्यु सिंह का ये कहना है कि हरियाणा में रेरा आ जाने से घर खरीदारों को काफ़ी सुविधा होगी। उनका ये कहना है कि रेरा के आने से डेवलपर्स और घर खरीदार दोनों को फायदा होगा। हरियाणा वित्त मंत्री का ये भी कहना था कि घर खरीदारों का भरोसा जीतना काफ़ी ज़रूरी है अगर रेरा को हरियाणा में सफल होना है। नोएडा एक्सटेंशन में रहने वाले लोगों को मेट्रो कनेक्टिविटी की है अति आवश्यकता। घर खरीदार जो नोएडा एक्सटेंशन में रह रहे हैं उन्होंने ये दुख जताया है कि मेट्रो की लाइन नोएडा अथॉरिटी इसलिए आगे नहीं बढ़ा रही है क्योंकि उनके पास पैसों की कमी है। हाल ही में अथॉरिटी ने ये फैसला लिया था कि मेट्रो की लाइन तब तक बढ़ाई नहीं जाएगी जब तक उनके पास फंड नहीं आ जाता। गौड़ एवं दूसरे प्रोजेक्ट्स में रहने वाले लोगों ने सोशल नेटवर्किंग साइट ट्विटर पर जाकर अपना दुख जताया। हरियाणा डेवलपमेंट अथॉरिटी करेगी 25 प्लॉट्स का ऑनलाइन ऑक्शन। हरियाणा डेवलपमेंट अथॉरिटी ने यह निर्णय लिया है कि वे करीबन 25 व्यावसायिक प्लॉट्स का ऑनलाइन ऑक्शन करवाएगी। इससे पहले भी 2 बार कोशिश की जा चुकी ऑक्शन कराने की, पर वो नाकामयाब रही थी। ये व्यावसायिक साइट गुरुग्राम के सेक्टर 8, 9, 14, 15 एवं 16 में स्थित है। सुप्रीम कोर्ट ने सीएजी को आदेश दिया है कि वे पता लगाए कि कहां गायब हो गए हैं कंस्ट्रक्शन वर्कर्स के पैसे। सुप्रीम कोर्ट ने कंट्रोलर एंड ऑडिट जनरल से जांच पड़ताल करने को कहा है कि वर्कर्स वेलफेयर के 20,000 करोड़ रुपए कहां गायब हो गए हैं। नेशनल कैंपेन कमेटी फॉर सेंट्रल लेजिस्लेशन ऑन कंस्ट्रक्शन लेबर ने कोर्ट में PIL दायर करी है, जिसके तहत उन्होंने जवाब मांगा है कि रियल एस्टेट कंपनियों से जो पैसा लिया गया था वर्कर्स वेलफेयर के लिए वे कहां उड़ गया है। अलाहाबाद हाई कोर्ट ने स्टेट गवर्नमेंट से दरख्वास्त करी है कि वे 1 हफ्ते के अंदर रेरा के ऊपर अपनी रिपोर्ट जमा करें। स्टेट गवर्नमेंट को यह आदेश मिला है अलाहाबाद हाई कोर्ट से कि वे क्या क्या कदम ले रहे हैं रेरा को सही तरीके से लागू करने के लिए, उसके ऊपर एक रिपोर्ट जमा करें 1 हफ्ते के अंदर। फेड AOA जो कि एक एपेक्स बॉडी है अपार्टमेंट ओनर्स एसोसिएशन की, उसने हाई कोर्ट में PIL दायर करी थी ये कहकर कि सरकार ने अभी तक कोई भी रियल एस्टेट रूल नहीं बनाया है। महारेरा के अंदर अब तक केवल 3 आवेदन आए हैं 14 दिनों में। 1 मई से लागू हुए रेरा रूल्स के तहत महाराष्ट्र में अभी तक 2 हाउसिंग प्रोजेक्ट और करीबन 100 ब्रोकर्स अपने आप को रजिस्टर कर चुके हैं। रेरा को आए 2 हफ्ते हो चुके हैं और अभी तक 2 डेवलपर्स के अलावा कोई और सामने नहीं आया है।